You're watching Exposed India. नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना। आप देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद रोशन सिंह के गांव शाहजहांपुर के नवादा दरोवस्त पहुंचकर शहीद के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और जनसभा को भी संबोधित किया और जिले के लिए 250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसी दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मेडिकल कॉलेज अखिलेश जी के जमाने से आज तक बदायूं में स्टार्ट नहीं हो पा रहा। ये बड़े प्रोजेक्ट हैं और इतने प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं शाहजहांपुर में। यदि पूरे आप आजादी के 69 साल एक तरफ कर दो और ये 2 साल एक तरफ कर दो, हमारी गारंटी है इस बात की कि 2 सालों में जितना पैसा शाहजहांपुर को मिला है पिछले 69 सालों में आज तक नहीं। चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, लगातार जनता का शोषण हो रहा है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है और लाइन आर्डर पर कोई लगाम नहीं है। लगातार आप देख रहे हैं प्रदेश के अंदर दिन दिहाड़े बेटियों को, छात्राओं को आप देख रहे हैं कि जिंदा जलाया जा रहा है, उनका रेप किया जा रहा है और ये हालात उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा कर दिए गए हैं जिससे जनता त्राही त्राही कर रही है। यूपी के फरुखाबाद में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी छात्र नवी क्लास में पढ़ता है और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। किसी नाबालिग बच्ची के साथ रेप की सूचना थाने पे मिली थी, इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर और जो अभियुक्त था वो भी नाबालिग था, बच्ची भी नाबालिग थी, अभियुक्त को मुकदमे में जेल भेज दिया गया। देश में समलैंगिक संबंधों में छूट मिलते ही समलैंगिक विवाहों का मामला सामने आने लगा है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में शुक्रवार को रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचकर दो लड़कियों ने परिवार और समाज का भय छोड़ते हुए आपस में समलैंगिक विवाह कर लिया। हालांकि कोर्ट में ये विवाह रजिस्टर्ड नहीं हो पाया है। इसके पहले दोनों युवतियों ने एक मंदिर में हवन पूजन कर एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। ये विवाह लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। इस शादी के लिए घर वाले हमें अनुमति नहीं देते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी शादी को स्वीकार करे, हमें समाज में रहने के लिए तौर तरीके जैसे हर नागरिक को मिलते हैं वैसे हमें भी मिलने चाहिए। समलैंगिक शादियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक रूप से रिट हुई थी, उसमें संविधान के अनुसार उन्होंने फैसला ये दिया कि समलैंगिक शादियाँ जो हैं वो अवैधानिक नहीं हैं, संवैधानिक हैं और उनके आधार पर जो शादियाँ होंगी वो इलीगल नहीं मानी जाएंगी, कानून के अनुसार ही मानी जाएंगी। प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक कुंभ मेला क्षेत्र पहुंचे। संगम पर दर्शन पूजन करने के बाद राज्यपाल बांध स्थित बड़े हनुमान मंदिर पहुंचे और वहां पूजा पाठ करने के बाद किला स्थित मूल अक्षय वट के दर्शन किए। अक्षय वट का दर्शन करते हुए वहां पर उन्होंने कुछ समय बिताया। इसके बाद राज्यपाल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पहुंचे और मेला पुलिस लाइन और केंद्रीय अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वाराणसी में शिक्षक प्रकोष्ठ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में तकनीकी और शिक्षा चिकित्सा कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन पहुंचे। इस दौरान आशुतोष टंडन ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि यूपी में जब से योगी सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त हो गई है। अपराधी या तो जेल में है या फिर देश छोड़कर जा चुके हैं। दिन भर इसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी और हमारे जो प्रकोष्ठ के पदाधिकारीगण हैं वो चर्चा में जो भी उनके सुझाव में रखेंगे और हमारा संगठन और सरकार दोनों उन सुझावों पर गौर करेंगे।
वाराणसी में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था के संरक्षक श्री चौधरी ने अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की नई टीम को शपथ दिलाई। संरक्षक जय श्री अशोक अग्रवाल ने सभी पदाधिकारियों को उनके उत्तरदायित्व का बोध दिलाया। इसी दौरान संरक्षक श्री चौधरी ने वैश्य संगठन के बारे में विस्तार से बताया। वाराणसी में बेरोजगारी को लेकर विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने सेवा रैली निकाली और सरकार विरोधी नारे लगाए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला, साथ ही गरीबों को गर्म कपड़े भी दिए। प्रदेश के बांदा में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के दो गुट आपस में भिड़ गए। भाजपा युवा मोर्चा में संगठन की घोषणा में पद को लेकर दोनों गुटों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुट मारपीट करने लगे। पुलिस ने बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता कराकर मामला शांत कराया। हमारे जिले की गठन की संरचना चल रही है, दायित्व की संरचना चल रही, तो उसी संदर्भ में नगर में कुछ लोगों का दबाव बनाया जा रहा था। जो HCCTA टाइप के लोग थे वो दबाव बना रहे थे मेरे ऊपर अपने आप को दायित्व पाने के लिए। कल हमारे जिलाध्यक्ष जी के ऊपर बाकरगंज चौराहे पे जानलेवा हमला किया गया, उनको जान से मारने की कोशिश की गई और उनकी चैन भी लूट ली गई है। उसके बाद जब ये FIR कराने ये कोतवाली आए तो हमलावर इनके पीछे पीछे आए हैं और इनके ऊपर पुनः हमला करने की कोशिश की, अगर तुमने हमारी FIR की, हमारे खिलाफ कुछ भी किया तो हम तुमको जान से मार देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में प्रेस वार्ता की और सभी देशवासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। इसी दौरान CM योगी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन इन्होंने बार बार अपने कारनामों से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। इस देश के अंदर कांग्रेस ने चाहे रक्षा क्षेत्र हो या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, उनसे कोई भी क्षेत्र नहीं बचा है जिसको कांग्रेस ने घोटाला से आच्छादित ना किया हो। कांग्रेस ने देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। अगस्ता वेस्टलैंड की जो कड़ियां खुल रही हैं, वो सबके सामने हैं। कांग्रेस को इस बात का भय था कि कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए शीर्ष नेतृत्व का नाम यह व्यक्ति लेगा, तो इसलिए उन्होंने इस मामले में अधिवक्ता के माध्यम से उसको डाइवर्ट करने का प्रयास किया और न्यायालय ने भी इस बात को स्वयं संज्ञान लिया है कि इस मामले में लीपापोती करने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा इस बिचौलिए के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए कांग्रेस इस पूरे मामले में अपने स्वयं कटघरे में होते हुए देख करके इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप कर रही है। मुझे लगता है न्यायालय पर टिप्पणी करना, न्यायालय में जो बातें वो व्यक्ति कह रहा है उस पर टिप्पणी करना, यह न्यायालय की अवमानना है। प्रदेश के बलिया जनपद का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष का आशियाना उजाड़ दिया। ये पूरा मंजर वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। CCTV फुटेज की मदद से पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। इस प्रकरण में जमीन की कब्जेदारी का विवाद है बेसिकली, और उसी के चलते अभियोग भी दर्ज है। जिन्होंने उपद्रव किया है उनके विरुद्ध और उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एक्सपोज इंडिया पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।